मॉर्निंग स्टूडेंट्स, काफ़ी फ्रेश मूड में आई हूँ और थोड़ा सा स्ट्रेस कम करने आई हूँ। दिस वीडियो इज ओनली फॉर 10th स्टैंडर्ड, केवल 10th के स्टूडेंट्स को ही ध्यान में रखना है। वैसे तो सभी स्टूडेंट्स इसे सुन सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस होता है वो 10th और 12th के स्टूडेंट्स पे होता है ना। तो क्या है, स्ट्रेस आ रहा है ना। मम्मी पापा कह रहे हैं पढ़ाई करो, टीचर्स कह रहे हैं मुझे नंबर्स चाहिए, और फिर हमारे फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस भी है हमसे कि नहीं हम कर सकते हैं। खुद का कॉन्फिडेंस कहाँ है? इसमें हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज हो जाता है ना। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि 10th का साल है, मतलब कोई इस साल में कुछ बहुत अलग नहीं होने वाला, कोई सुनामी नहीं आने वाली, कोई बाढ़ नहीं आने वाली है, कोई अर्थक्वैक नहीं आने वाला है। जैसा साल होता है वैसा ही साल होता है। जैसे ही 8th में पढ़ाई करते हो, 9th में पढ़ाई करते हो, बस वैसी ही पढ़ाई करते हो। बट 8th और 9th में या 6th में क्या हो जाता है, कभी हमारा ध्यान भटक भी गया तो भी हम ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा दो नंबर कम भी आ गए तो हम उस चीज़ में कोई बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं। बट 10th में बहुत ज़्यादा हमको माइंड करना पड़ता है, राइट, क्योंकि एक एक मार्क के लिए हम यहाँ लड़ते हैं, ये रेस लगी है, राइट। इस रेस में हमको दौड़ना है, जीतना है। सबसे पहले तो इस चीज़ को ध्यान में रखो कि हमें एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल कैसा, खाने पीने का, उठने धोने का, रोने का, टाइम टेबल बनाना है। डेली रूटीन को छोड़ दो, डेली रूटीन जो आपका है, आप स्कूल जाते हो, दिन भर जो पढ़ते हो, उसके बाद 10 days आप ले लो एक सब्जेक्ट के लिए। 10 days अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आप 7 days ले लो, क्योंकि 2 days आपके ऐसे ही वेस्ट होने वाले हैं, फिर आपको 5 days मिलेंगे। तो आप 7 days एक सब्जेक्ट के लिए ले लो पहले। 7 days में आप डिसाइड कर लो कि मुझे इतना पोर्शन पढ़ना है, 2 chapters आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। इफ़ यू कैन डू 2 chapters इन 7 days, 3 chapters इन 7 days, देन यू कैन। आप जितना कर सकते हो उतना करो। अब मान लो कि 7 days में होगा ही नहीं, है ना, बच गए, क्या करोगे? छोड़ दो उस सब्जेक्ट को, रख दो, क्योंकि हमारे दिमाग को एक ही एक सब्जेक्ट की हैबिट नहीं है, हमको बड़ा बोर हो जाता है। स्पेशली मैं भी बड़ी बोर हो जाती हूँ, कोई एक ही सब्जेक्ट को बार बार लिख के बैठो, मैं बड़ी बोर हो जाती हूँ। पर जब डिसाइड करते हो कि मुझे 7 days में करना है, तो उसे पूरा करने की कोशिश करो कि मेरे 7 days में मुझे इतना करना ही है, 2 chapters 3 chapters जो भी आपने डिसाइड किया है। उसके बाद नेक्स्ट 7 days में आप नेक्स्ट सब्जेक्ट ले लो, उसके नेक्स्ट 7 days में आप नेक्स्ट सब्जेक्ट ले लो। थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि बाकी सब्जेक्ट टीचर्स जो है वो चिल्लाते रहेंगे, है ना, डांटते रहेंगे कि मेरे सब्जेक्ट की पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हो। थोड़ा बहुत टाइम उनको भी दे दो, 1 घंटा निकाल दो। बाकी तो ऐसे 5 hours बैठ रहे हो पढ़ाई करने के लिए, तो 4 hours आप मेन सब्जेक्ट को दे दो जो आपने डिसाइड करके रखा है, 1 hour के लिए आप होमवर्क हो गए, जो भी एक्स्ट्रा आपका है वो आपका, मतलब ऐसा होगा कि वो टीचर भी आपकी कंप्लेंट नहीं करेंगी और आपका जो रूटीन है वो बना रहेगा, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा पेरेंट्स को भी ये चीज़ बताना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत करो, क्योंकि पढ़ाई के टेंशन से ज़्यादा आपके प्रेशर का टेंशन उन्हें हो जाता है, है ना, क्योंकि वो सोच में पड़े रहते हैं कि नहीं अगर मैंने नहीं किया तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मतलब वो क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, अगर वो आगे निकल गया मैं पीछे रह गया तो क्या होगा। ये सारी चीज़ों के चक्कर में क्या होता है कि ब्रेन काम करना छोड़ देता है। तो आप उनके पीछे ना लो, थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश है, उसे मोटिवेट करो, बताओ उसे कि क्या अहमियत है पढ़ाई की। और ये चीज़ हमें 10th में आके नहीं पढ़ानी है बच्चों को, यह बचपन से सिखाना है। मुझे मालूम है आपके बच्चे में वो चीज़ नहीं जाने वाली है, 1st स्टैंडर्ड में सिखा रहे हो आप बच्चे को, नहीं बेटा पढ़ना चाहिए, पढ़ने से बहुत अच्छा होता, नहीं जाएगी दिमाग में। सेकेंड में जाएगा तब भी वही चीज़ रिपीट करो, 3rd में जाएगा तब भी रिपीट करो, 4th में जाएगा तब भी रिपीट करो। जब एक चीज़ को आप 4 सालों तक रिपीट कर रहे हो, 5वें साल में उसे खुद पता चल जाएगा कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, इसकी अहमियत क्या है, और फिर वो 10th तक तो खुद पढ़ लेगा। पहले तो पेरेंट्स को ये चीज़ बोलनी नहीं है बहुत ज़्यादा, पढ़ो 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 पढ़ो, उसको उसका इम्पोर्टेंस एक बार पता करा दो, उसके बाद वो खुद ब खुद पढ़ लेगा। एक स्टूडेंट है मेरा, हर बार यूनिट टेस्ट में 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 20 out of 3, 2 ऐसे ही मार्क्स रहते थे उसे। एक समय आया, ड्रास्टिक चेंज था वो, और अचानक से वो बंदा बड़ा आगे निकल गया, 20 out of 20 out of marks रहने लग गया, है ना। तो ये जो चेंज आया वो कहाँ से आया, केवल उसकी पढ़ाई से नहीं, उसका माइंडसेट जब बदल गया
उसे जब पता चला कि क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बाद उसने उस चीज को फॉलो किया। तो हमें भी यही चीज करना है, एक टाइम टेबल, फिक्स टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल को इतना अच्छे से फॉलो करना है। और जैसे छुट्टी आती है, आपको संडे आता है, तो उसको तो वेस्ट मत ही करो। और टेंथ का साल बहुत डराने की कोशिश मैं आपको नहीं कर रही हूँ, मैं आपको रिलैक्स कर रही हूँ, क्योंकि टेंथ का साल बहुत अलग नहीं होता है। ईजी पेपर पैटर्न, स्कूल के पेपर भी हार्ड बनाते हैं टीचर्स ताकि आपके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन टेंथ का ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर मैं ये बोलूँगी कि बेटा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आप सोचेंगे टीचर कुछ नहीं होता तो हम क्यों पढ़ें। ये भी नहीं है, आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या आने वाला है पेपर में इसका कोई भी हमें अंदाज़ा नहीं होता। एक बार का स्कूल में अगर पेपर हो तो टीचर थोड़ा बहुत ऐसे हेल्प कर देते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन मैं डाल दूंगी तो डाल दूंगी, बोलेगी तो आइडिया आ जाता कि नहीं डालेगी, भले ही वो ना डाले टीचर, वो क्वेश्चन पेपर में ना आए, लेकिन हम उस चीज को पढ़ लेते हैं। पर ऐसे बोर्ड वाले कोई आके बताते नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा, और स्कूल के टीचर क्या बताते हैं, वही चीज, ये भी क्वेश्चन आएगा, वो भी क्वेश्चन आएगा, ये आ सकता है, ये 2 मार्क के लिए आ सकता है, ये 5 मार्क के लिए आ सकता है, तो फिर आपको सभी पढ़ना आ गया। तो हर चीज को पढ़ना है। वे कैसे बनाओ, इजी टू हार्ड पिच। पहले हार्ड क्वेश्चन को करने के लिए मत बैठो, जो आपके दिमाग में नहीं जा रहा है छोड़ दो उसे, लास्ट में देखेंगे यार। पहले ऑब्जेक्टिव्स कर लो, पूरा क्लियर कर दो। आपको लगता है तो 2-2, 3-3 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव आप एट टाइम कर सकते हो। इसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, मतलब एक टेंशन तो आपका कम हो जाएगा। मान लो कि आधा सिलेबस 6 चैप्टर्स का है, 6 चैप्टर्स के पूरे ऑब्जेक्टिव आपको हो गए, क्या बचा, केवल क्वेश्चन आंसर्स बचे। ऑब्जेक्टिव्स निकल गए, आधा सिलेबस आपका ऐसे ही कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो बचा है क्वेश्चन आंसर्स, उस पे जाओ, उसमें भी जो पहले इजी लगते हैं उस चीज़ को केवल पढ़ पढ़ के दिमाग में डालो, ना कि रटाफिकेशन, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं। पढ़ो उसे, दिमाग में डालो, एक बार पढ़ो, नहीं आ रहा है छोड़ दो, फिर आगे पढ़ो, फिर पिछला पढ़ोगे, फिर से रिवाइज करोगे, फिर पढ़ो, दिमाग में डालो। एक बार रिवाइज करना है, समझ के करोगे ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, और रट के करोगे 2 दिन में निकल जाएगा। लर्न तो होता है, वैसे आजकल बच्चों की लर्निंग जो पावर है वो इतनी बढ़ गई है कि हम भी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि बच्चा इतने जल्दी तो बिना मिस्टेक किए बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कैसे बोल लेता है। ये तो पावर आपकी है, आप पता है हमें, बट फिर भी आपको रटना नहीं है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। बच्चे मुझे आकर पूछते हैं कि टीचर मुझे ना लर्न नहीं होता है, जब मैं लर्न करने बैठती हूँ मुझे नींद आती है, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ मेरा मन नहीं करता, मुझे याद नहीं रहता है, मैं भूल जाती हूँ, दूसरे दिन मुझे फिर से वही चीज़ पढ़नी पड़ती है, ये क्यों हो रहा है ना, ये क्वेश्चन जो है क्यों हो रहा है, तो आपने अपने ब्रेन को हैबिट नहीं लगाई है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हर चीज़ की हैबिट होती है, सवेरे उठते हो, ब्रश करते हो ना, करते हो। बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ब्रश करने का बड़ा आलस आता है, नहीं करने की इच्छा होती, नहाने का आलस आता है, नहीं करने की इच्छा होती, तो भी करते हैं हम, तो भी मम्मी ज़बरदस्ती भेजती है, और नहीं भी भेजती है तो भी हम बहुत बार तो खुद से भी चले जाते हैं, हमको पता है कि हमें ये हमारा ये रूटीन है, हमें करना है। तो क्या है, हमारे ब्रेन को इस चीज़ का पता है कि मुझे मॉर्निंग में उठते बराबर ये चीज़ें करनी है, खाना खाने के टाइम पे बराबर खाना खाना ही है, भूख लगी है खाना खाने, है ना, फिर ये हमारे ब्रेन को हैबिट हो चुकी है। फिर पढ़ाई की हैबिट हमने लगाई नहीं, हमने मेमोराइज करने की हैबिट लगाई नहीं, हमने बचपन से उसे वो वैसे सिखाया है जैसा हम चाहते हैं, है ना, हमने उसे आलसी बना के रखा है। आप अपने ब्रेन को धीरे धीरे हैबिट लगाओ। मैं तो ये कहूँगी कि मेरा ये वीडियो 5th-6th के स्टूडेंट्स भी देखें ताकि उन्हें समझ में आएगा, भले आधे से वो वीडियो चलाए, ताकि थोड़ा उनके लिए भी ये यूज़फुल हो जाएगा कि आप अपने ब्रेन को पहले हैबिट लगाओ पढ़ने की। जब तक कि वो नहीं सीखेगा तब तक कि आप नहीं सीखोगे, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब वो उसे हैबिट हो जाएगी, नहीं 2 घंटा आज तो पढ़ना ही है, और आज नहीं पढ़ा तो उसे हमें कैसे कैसे लगने लगेगा, हमारे ब्रेन को कैसे कैसे लगने लगेगा, हमें कैसे कैसे लगेगा। तो वो हैबिट आपको डालनी है, और उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी कि टीचर मुझे लर्निंग हो रहा है। ये खुद मुझे भी ये प्रॉब्लम थी कि मुझे बड़े आंसर्स देखकर डर लगता था, मुझे छोटे आंसर्स में भी मुझे लर्न करने के लिए बड़ी तकलीफ होती थी, नहीं होता था मुझसे लर्न, नहीं होता था, बहुत बार तो आधे आंसर्स लिख के छोड़ देती क्योंकि मीनिंग ही नहीं समझते थे। मेरी प्रॉब्लम ऐसी थी कि मुझे मीनिंग नहीं समझते थे, तो मुझे लर्न करने में इंटरेस्ट नहीं आता था। आजकल तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं, टीचर्स वैसे हमारे भी टाइम पे टीचर्स बहुत अच्छा बताते थे, पर जब हमें क्वेरीज होती थी तो हम पूछने नहीं जा सकते थे, हमें डर लगता था। आज ऐसा नहीं है, आज तो आपके पास
आपके खुद के टीचर्स है, स्कूल के टीचर्स है, ट्यूशन टीचर्स है, हमारे आजू बाजू पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पेरेंट्स पढ़े हुए हैं, तो हम किसी भी अपनी क्वेरीज को सामने रखकर पूछ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, हमें वो मीनिंग क्लियर हो जाती है। इवन इंटरनेट है, गूगल है, यूट्यूब है, आप हर जगह से अपने मीनिंग्स क्लियर कर सकते हो। तो वो एक रहा नहीं, बस हैबिट नहीं है, इस वजह से लर्न नहीं हो रहा है। उसके बाद है कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मैं कर नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, ये जो आपने जो दिमाग में डाल लिया है इसे कचरे के जैसे निकाल के फेंक दो, मत रखो उस दिमाग में। आप कर सकते हो, अपने दिमाग को समझो, अपने आप को समझो, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। बार बार बोलो नहीं ये कर सकते हो, आज तो तुझे बैठ के इतने दो ही नहीं हो रहा है, शुरुआत में दो ही पेज रखो, एक ही पेज रखो, आज तो तुझे ये चीज करनी ही है, ऐसा मन में बोलो और लग जाओ पढ़ाई के लिए। एक घंटे में नहीं होता, दो घंटा लगा दो, आज के आज करना है, मुझे इतना पढ़ना है, समझना है, और फिर ध्यान में भी रखना है, लर्न भी कर लेना है। ये चीज अपने दिमाग में कर ली, आज के दिन के लिए थोड़ी तकलीफ होगी, 7 दिन तक ऐसा करोगे, 8वें दिन में आपको वो चीज़ इजी लगने लगेगी। कोशिश करके देखो, ज़रूर होगा, श्योर हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि मैंने खुद पे अप्लाई किया पहले, उसके बाद आपको बताया। मैं भी बहुत ज़्यादा भूलती हूँ, मुझे याद नहीं रहता, बोलते बोलते वर्ड्स याद नहीं आते हैं, तो अब मैं इतना सारा बोल रही हूँ आपके सामने, बोलते बोलते रुक नहीं रही हूँ, कंटिन्यूसली चलते जा रहा है, बहुत बार देखना मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती है, तो ये मेरी हैबिट है, मैंने ब्रेन को अभी तक ट्रेन ही नहीं किया मेरे, तो ऐसे ही होने वाला है, जब ब्रेन को ट्रेन करूँगी धीरे धीरे ऐसा होगा कि इसके बाद के जो वीडियो आएंगे तड़ातड़ मेरी गाड़ी चलते जाएगी। ये चीज़ आप में नहीं है, सीरियस है। फिर एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं पढ़ सकता। गाय जो है ना, गाय का बछड़ा जब पैदा होता है तो उठता है, गिरता है। अगर मान लो पहली बार में गिरा और उसने कोशिश ही नहीं की, मैं नहीं उठ सकता, तो बैठा ही रहेगा, वो उड़ेगा ही नहीं, उठेगा ही नहीं, सॉरी, तो क्या होगा, नहीं सीखेगा, है ना। कोशिश करना है। एक मान लो कि चींटी है, दिन भर चलती है बेचारी, खाना अपना कलेक्ट करती है, मान लो कि चलते चलते बोल दिया कि नहीं अब मैं नहीं कर सकती, बहुत हो गई, कौन लाएगा उसके लिए खाना, उसे खुद का खाना खुद ही लाना है। वैसे आपकी पढ़ाई आप भी कर सकते हो, ये मेरा विश्वास है, आप भी अपने अंदर ये विश्वास जगाओ। सो आप थोड़ा बहुत रिलैक्स हो गए होंगे, तो इस वीडियो को मैं यहाँ ऑफ करती हूँ, स्टॉप करती हूँ। आपको फिर भी लगता है कि कुछ कमेंट्स ऐसे हैं, टीचर कुछ फिर भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे बताने के सिवा भी और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, नींद आने की एक प्रॉब्लम है, चलो एक और बता देती हूँ, नींद आती है ना पढ़ाई करने के टाइम, मैं तो बोलती हूँ कि जिस समय पे बहुत ज़्यादा नींद आ जाए सो जाओ, आपको अगर दोपहर में बहुत ज़्यादा नींद आती है दोपहर में सो जाओ, शाम में पढ़ाई करो, टाइम टेबल को चेंज करो। एक बार नींद हो जाएगी तो उसके बाद तो नींद नहीं आएगी ना, उस समय के लिए छोड़ो, पर एग्ज़ाम के टाइम के लिए ये लागू नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत रेस्ट लेकर हमें हमारी नींद को थोड़ा कम करके पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, वो समय के लिए नहीं, पर अभी साल भर के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है किसी समय पर तो उतना, एक तो ऐसा होता है कि उस टाइम को फिर टालो, जब बहुत ज़्यादा नींद आती है उतना समय निकालो, कैसे भी करके जगे रहो, खाना खा लो उतने समय पे, नींद के समय पे आप कुछ खा लो या कुछ जूस पी लो, वो टाइम अगर निकल जाएगा तो उसके बाद नींद नहीं आएगी, ये होता है, नहीं तो फिर सो लो 2 घंटा रेस्ट ले लो उसके बाद, लेकिन उसके बाद उठकर मान लो आपको पढ़ना तो है, फिर सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ आप फॉलो करो, कोशिश करो, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।